नमस्कार, मैं हूं सुनील कुमार सोनी। आप देख रहे हैं कोल कोल पोस्ट। पानी नहीं तो बोट नहीं की ली शपथ। तेंदुखेड़ा से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सहजपुर के लोगों ने आज पानी की समस्या को लेकर शपथ ली। लोगों का कहना है कि हमें पानी की सुविधा नहीं कराई जाती है तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। ग्राम का कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं जाएगा, न हम वोट डालने देंगे, न किसी को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। ग्रामवासियों का कहना है कि जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आज तक हमारी इस पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हम ग्रामवासी 5 से 8 किलोमीटर दूर से पानी लाकर घरेलू कार्यों में उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में तो ग्रामवासियों दूसरे क्षेत्रों से पलायन के लिए निकल जाते हैं, खुद के ग्राम में तक नहीं रहते हैं। लोग हमारी इस समस्या की फिक्र भी नहीं करते, नेता को और न ही किसी अधिकारी को कोई फिक्र है। चुनाव के समय नेता केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, इसलिए इस बार गांव के लोगों ने वोट न देने का निर्णय लिया है। लोगों का कहना है कि जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता है तब तक गांव का कोई भी व्यक्ति इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देगा। तेंदुखेड़ा से विशाल रजक की रिपोर्ट। हम सहजपुर ग्राम पंचायत से बोल रहे हैं। आज की 15 साल हो गई है भाजपा की सरकार। पानी किसी से 15 साल में पानी सहजपुर ग्राम पंचायतों पीने के लिए नहीं दिया है, और यही हमारी निवेदन है कि आप जो नर्मदा से लेन जा रही है उसको हमको पानी दिए जाए पीवे के लिए और मवेशी के पीने की व्यवस्था की जाए। पंचायत में पानी के लिए वोट तो हम जब भी हम वोट डालेंगे, न वोट नहीं डालेंगे, हमारी समस्या भैया न हमारे पास जगह आए, न जमीन आए, न राशन कार्ड कुछ नहीं है, न हमारी क्या कहते कुटी मिली है, न पानी आया गाँव में, कुछ समस्या नहीं है। अब बोलते हैं जनता समस्या कहाँ जाए, बोलते वोट दे कहाँ से वोट दे, हम नहीं देंगे वोट। पहले पानी कुटी और राशन कार्ड चाहिए हमें। पानी की समस्या गर्मी मई जून में पानी की समस्या रहती है, तो हम लोग तेंदुखेड़ा पाटन नरगुआ बारहा 3-4 गांव से 2 माह में काफी परेशान रहती है। यहाँ के लोग पलायन कर जाते हैं, वही हम लोग की मांग है। हम लोग तो कट्टर बीजेपी के हैं, वोट तो देने या न देने की बात अलग बात है, बाकी अगर पानी नहीं मिलेगा तो सबकी सलाह यही बन रही है कि वोट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और पानी हम लोगों को पानी अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नल जल योजना के कारण पास ही में पानी है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर खदान है, हम लोग 9 किलोमीटर से दूर लाते हैं, तो हम लोगों के ऐसे दुर्भाग्य का हर साल हम लोगों को वहीं से रहना पड़ेगा क्या? थोड़ा उसमें शासन को आकर्षित कराना चाहता हूँ। जय हिंद। कोल कोल पोस्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी नई अपडेट आपको समय समय पर